कल्याण रोले लोको पायलट सुजित कुमार द्वारा आत्महत्या करने का मामला तुल पकड़ रहा है। सुजित को सस्पेंड किया गया था और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। रेल कर्मचारियों ने बताया कि रेल प्रशासन उसे प्रताड़ित कर रहा था। एक्चुअली जो यहाँ पर आज घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। हमारा जो साथी था उसको कई दिनों से बहुत ही बुरी तरीके से प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको सस्पेंशन में रखा था, उसको इस तरीके से हीन भावना दी जा रही थी कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, और उसको सस्पेंशन में रख के एडवांस सस्पेंशन भी दिया था कि तुम इतने दिन तक सस्पेंशन में रहोगे। आज जो ये घटना घटी है, ये मेरे जो साथी है सुशांत जैन जी, ये इसकी सुसाइड नहीं है, ये इसका मर्डर है। अरे हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का धरना करे, मोर्चा करे, आंदोलन करे, लेकिन ये रेल प्रशासन हमको मजबूर कर देता है इस पर रस्ते पे उतरने के लिए, और इसी वजह से हर एक को ये लोग इतना शोषण कर, इस तरीके से शोषण करते हैं हमारे लोगों का। रेलवे में रनिंग करके एक कैडर है, इस कैडर को कम से कम 9 घंटे की ड्यूटी दी गई है, 9 घंटे के बाद इसको रिलीफ कर देना चाहिए, लेकिन आजकल कितने दिनों से पहले से ही रेलवे चलती आ रही है, रेलवे को जितना चाहना है उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी ज्यादा लालच में लोगों को 12-12, 15-15 घंटा काम किया जाता है, और उसके बाद में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन होता है। और अगर मेन लाइन पे या लूप लाइन पे हम लोग गाड़ियां खड़ा कर देते हैं हमारे घंटे होने के बाद, अरे हम लोग काम करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हमारी बॉडी साथ नहीं रहती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, और इसके लिए ये रेल प्रशासन जिम्मेदार रहता है। अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता, इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार होता है। 9 घंटे से ज्यादा काम करवाता है, कितने दिन तक ये सहेंगे। आज जो ये बेचारा सुजीत जयंत है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसको सस्पेंशन में रखा जा रहा था, इतनी परीक्षा पास करके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा पास करके वो लड़का आया था, वो ऐसा ही नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा होगा और पढ़ लिख के ये आया था, उसको ये लोग ठहरा दे कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम ये काम करने के लायक नहीं हो। पर्सनल मोबाइल चेक करते हैं, लोगों को हरसमेंट, आजकल काम कम और हरसमेंट ज्यादा हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक दबाव दिया जा रहा है। हम लोग की ये मांग है कि रेलवे बोर्ड का जो नियम है उस नियम के अनुसार कामगारों को काम दिया जाए। सही पे संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी भी कामगार से 8 घंटा नौकरी किया जाए, पर ये लोग संविधान के अनुसार काम करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संविधान के अगेंस्ट में जाके, रेलवे बोर्ड के नियमों के अगेंस्ट में जाके ये लोग काम करवाते हैं, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, हम लोग की यही मांग है। मेरा नाम साई प्रसाद कनौजी है, मैं पनवेल में LPG पे हूँ, लोको पायलट गुड्स के तौर पे काम करता हूँ पनवेल में। अभी अलग ये जो माहौल चल रहा है, इसके महामारी की वजह से इतने सारे लोगों ने जो जमा होने का काम किया, और जमा होने इसका बोलने का रीजन सिर्फ इतना है, ये जमा अपने मर्जी से नहीं हुआ है, इनको ये जोश लेके आया है कि इनका हम सभी का एक भाई जो है वो इतने प्रशासन के पीड़ित के वजह से जो उन्होंने सुसाइड किया उसके कारण आया, जिसके वजह से प्रशासन आज तक अभी तक मैं उनका देखने तक नहीं आए, चोरी छुपे सागर किसी सागर होटल में जाके उनका स्टेटमेंट ले रहा है, उनका सिग्नेचर कर रहा है, और ड्यूटी आवर्स में आपको पता जो रेलवे बोर्ड का लिखित में लेटर है कि 9 घंटे में हमारा साइन ऑन से साइन ऑफ होना चाहिए, जिसके वजह से अभी तक उसके ऊपर कोई अलम नहीं किया गया है, और रेलवे प्रशासन सिर्फ अपना ही देख रहा है, और इतने होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर कितने भाई जान दे रहे हैं, कितने भाई को क्या हो रहा है। अभी हालांकि बीच में 12 घंटे में गाड़ी, एक बंदा रितेश नाम है उसका, रितेश कुमार, 12 घंटे 12.5 घंटे में गाड़ी स्टेबल करता है, और उसको मालूम पड़ता है डायरेक्ट सस्पेंशन का लेटर आ गया उसको,
और जब मालूम पड़ा कि जब सबके सब लोग जमा हो गए कि ये गलत कर रहा है प्रशासन, और उसके वजह से सभी लोग जमा होकर पनवेल स्टेशन पर धरना देना चालू कर दिया, और उसके मुकाबले में उन्होंने पता चल गया कि गाड़ी सभी बंद हो जाएगी और उन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। उसके दो दिन के बाद उसको SF 11 दिया जाता है। यहाँ पर हमारे काका खड़े हैं, इनको 1 महीने से सस्पेंड किया गया है और उनका कुछ रिपोर्ट में मालूम नहीं पड़ रहा है किस लिए सस्पेंड किया। बस खाली इनको फोन पे बोल दिया गया आप सस्पेंड में हो। प्रशासन से हमारा खाली ये मांगे, जो डी है, सीनियर डी है, AE है, जूनियर CC जो है, सीनियर CC जो है जॉर्ज करके, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए। इनकी और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा होना चाहिए, इसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें मैंने ग्रुप में डाला भी था, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसका हम लोगों को सभी लोगों को इस बात का न्याय मिलना चाहिए। और इससे हमें भी जानकारी मिलनी चाहिए कि आपका आउटपुट क्या मिला है प्रशासन के तौर पर, हमें मिलना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।